नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी में धांधली सेटिंग के खिलाफ वर्ष 2022 में जो लगातार कई बार छात्र आंदोलन पटना की सड़कों पर हुआ, उसका व्यापक असर धीरे धीरे देखने को मिल रहा है और बीपीएससी में कई सकारात्मक सुधार और बदलाव किए गए हैं। और इन सुधारों के लिए, बदलाव के लिए सबसे ज्यादा हम आप तमाम छात्र छात्राओं को धन्यवाद देते हैं जो हमारे एक आह्वान पे आप लोग पटना की सड़कों पे आंदोलन में आ जाते थे। आपके सहयोग और साथ के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते थे, कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो पाता। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 31 अगस्त 2022 को एक बहुत बड़ा आंदोलन पटना की सड़कों पर हुआ और जिसके बाद परसेंटाइल सिस्टम को वापस लिया गया, उसके बाद फिर 22 नवंबर, 29 नवंबर, 7 दिसंबर 2022 को पटना की सड़कों पर जो आंदोलन हुआ, यहां तक कि 29 नवंबर को हम लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना पे बैठ गए थे, तो उन सभी आंदोलनों का असर बाद में धीरे धीरे हुआ और कई सकारात्मक सुधार दिसंबर से ही शुरू हुआ। बीपीएससी ने दिसंबर माह से ही कई सकारात्मक सुधार करने शुरू कर दिए और इन सुधारों के लिए, इन बदलावों के लिए आप तमाम छात्र छात्राओं को हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे एक आह्वान पे पटना की सड़कों पर आंदोलन में उतर जाते थे और 31 अगस्त को दिल्ली में भी। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफील्ड रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफील्ड लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। दिल्ली में भी सड़कों पर छात्र छात्राएं उतर गए। आप तमाम छात्र छात्राओं को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके सहयोग के बिना, आपके साथ दिए बगैर हम कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते थे और न ही सरकार पे कोई असर पड़ता, लेकिन आप लोगों ने हमारा भरपूर साथ दिया। उसके बाद हमने आंदोलन किया और उस आंदोलन का अब असर हुआ कि बीपीएससी में कई तरह के सकारात्मक सुधार हुए हैं, जिसकी मांग काफी लंबे समय से अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही थी। हम लोग भी लगातार मीडिया के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से उठाते रहे थे, लेकिन अब जाकर बहुत सारा सुधार धीरे धीरे दिसंबर माह से जो सुधार होना शुरू हुआ वो अभी तक सुधार हो रहा है और आगे भी कई सुधार होंगे। तो इन समस्त सुधारों और सकारात्मक बदलाव के लिए आप तमाम छात्र छात्राओं को, चाहे आप पटना में रह के पढ़ाई करते हो, दिल्ली में रह के करते हो, या बिहार के किसी जिले में, या बिहार से बाहर कहीं भी तैयारी करते हो, आप लोगों ने भरपूर साथ दिया। आप सभी छात्र छात्राओं को दिल से धन्यवाद और साथ ही बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी को भी धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने छात्र आंदोलन की मांगों को गंभीरतापूर्वक सुना, उन मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और बारी बारी से उन मांगों को लागू करने का काम किया है। आगे भी कई सुधार अभी होंगे और जो भी सुधार अभी होना और चाहिए आप लोग भी हमें बता सकते हैं, उन सुधारों के लिए भी हम प्रयास करेंगे और उनके लिए भी आवाज उठाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक जो सुधार हुआ बीपीएससी में वो काबिले तारीफ है, स्वागत योग्य है और इसके लिए हम बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी को धन्यवाद देते हैं। और साथ ही दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी, शिक्षक बहाली, इन सभी में भी इस तरह का सुधार होना चाहिए और बीपीएसएससी के चेयरमैन, बीएसएससी के चेयरमैन, सीएसबीसी के चेयरमैन को भी बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से सीखना चाहिए कि किस तरह अभ्यर्थियों की मांगों को सुना जाता है और सकारात्मक सुधार किया जाता है। तो इन लोगों को भी चाहिए कि अभ्यर्थियों की मांग को सुने और सकारात्मक सुधार लाए, सकारात्मक बदलाव लाए, परीक्षा में पारदर्शिता लाए, ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दे, क्वेश्चन बुकलेट दे, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कटअप सभी का मार्क्स जारी हो। बीपीएससी में आप लोग देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि बीपीएससी ने फाइनल आंसर की रिजल्ट से पहले ही इस बार जारी कर दिया, ओएमआर सीट आपको ऑनलाइन जारी कर दिया गया। मेंस में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया गया, सकारात्मक सुधार लाया गया सिलेबस में, अभी और सुधार लाए जाएंगे। उसके बाद मेंस की कॉपियों की जो जांच होती है उसमें सुधार लाया गया। इंटरव्यू में आप देखिए 30% से कम या 80% से ज्यादा जिनको मार्क्स रहेगा तो उस पे इंटरव्यू बोर्ड को स्पष्टीकरण देना होगा। ये मांग हम लोग लगातार करते रहे हैं कि इंटरव्यू का वीडियोग्राफी होना चाहिए, आज भी हम कर रहे हैं कि इंटरव्यू का वीडियोग्राफी होना चाहिए और अतुल प्रसाद जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप इस पे विचार कीजिए, इंटरव्यू का वीडियोग्राफी कराइए। लेकिन अभी जो उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 30% से कम या 80% से ज्यादा जिनको मार्क्स आएगा तो इंटरव्यू बोर्ड को इसका स्पष्टीकरण देना होगा। तो यह स्वागत योग्य कदम है। नीतीश कुमार जी भी
बीपीएससी के स्थापना दिवस पे इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो हम धन्यवाद देते हैं बीपीएससी के चेयरमैन साहब को कि उन्होंने इस पे इस तरफ ध्यान दिया, क्योंकि बीपीएससी में काफी लंबे समय से ऐसा होता आया है कि इंटरव्यू में गड़बड़ी की जाती है, पैसा लेके मार्क्स दिया जाता है। और एक प्रकरण भी आया था रामाकिशोर सिंह का, जो बीपीएससी के उस समय मेंबर थे 56 से 59 में, और 25 लाख रुपया वो मांग रहे थे इंटरव्यू में मार्क्स देने के लिए। होता क्या था, जिसका इंटरव्यू में कम मार्क्स आना चाहिए उसको भी ज्यादा मार्क्स दे के पैसा लेके, मेंस में उसका कम मार्क्स है लेकिन इंटरव्यू में इतना मार्क्स उसको दे दिया गया कि वो क्वालिफाई कर गया, फाइनल क्वालिफाई कर गया और रैंक भी उसको अच्छा आ गया। और जिसका मेंस में बहुत ज्यादा मार्क्स है, इंटरव्यू में अगर वो पैसा नहीं दिया तो उसको कम मार्क्स दिया गया, वो कोई रैंक तो छोड़िए वो फेल कर गया। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता था, हम ये नहीं कह रहे कि सभी लोगों के साथ ऐसा होता था, लेकिन अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता था, बेईमानी होती थी इंटरव्यू में। तो इसलिए ये जो बीपीएससी ने अभी बदलाव किया, सुधार किया, ये स्वागत योग्य कदम है। मेंस में भी आप देख रहे हैं कि सिलेबस में कई तरह के सुधार किए गए हैं, कॉपी जांच करने की प्रक्रिया में सुधार किया गया है, और पीटी में भी क्वेश्चन का लेवल जिस तरह से दिया गया है वो काफी अच्छा है, सुधार अच्छा किया गया है। उसके बाद ई ऑप्शन हटाने की जहां तक हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, तो ई ऑप्शन पे भी अब बीपीएससी छात्रों से राय लेगी, अभ्यर्थियों से राय लेगी। तो आप तमाम अभ्यर्थियों से भी हम आग्रह करेंगे कि जब बीपीएससी इस पे राय मांगे तो आप लोग सोच समझ के ई ऑप्शन को हटाने पे राय दीजिएगा। बाकी जो सुधार अभी तक हुआ उसका हम लोग स्वागत करते हैं, और इसके लिए आप तमाम छात्र छात्राओं को धन्यवाद देते हैं, साथ ही बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी को भी धन्यवाद देते हैं, और बीएसएससी, बीपीएसएससी, सीएसबीसी एवं अन्य भर्ती आयोग के चेयरमैन से भी हम ये अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप भी कम से कम बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की कार्यशैली को देखिए और उनसे कुछ सीखिए और छात्र हित में फैसला लीजिए। साथ ही हम बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से ये भी मांग कर रहे हैं कि इंटरव्यू का वीडियोग्राफी कराइए, और बीपीएससी के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सबको अब एक बार पीटी एक ही बार लेने की बात चल रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं बीपीएससी के चेयरमैन साहब से कि इस चक्कर में परसेंटाइल सिस्टम को लागू मत कर दीजिएगा, क्योंकि परसेंटाइल सिस्टम फिर अभ्यर्थी नहीं मानेंगे। इसलिए सभी परीक्षा जो है, अलग अलग तरह की जो परीक्षा होती है उसका पीटी आप एक बार लीजिएगा, इसका हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन परसेंटाइल, इसके आर में परसेंटाइल सिस्टम नहीं लाया जाना चाहिए, परसेंटाइल सिस्टम बिल्कुल नहीं लाया जाना चाहिए और एक ही शिफ्ट में परीक्षा होनी चाहिए। तो इस बात का भी अतुल प्रसाद जी ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर से परीक्षार्थी जो आप सुधार किए हैं उस पर पानी फिर जाएगा और फिर से हम लोग को आंदोलन करना पड़ जाएगा। तो इसलिए सकारात्मक सुधार जो भी होगा हम लोग उसका स्वागत करते हैं, आपको धन्यवाद भी देते हैं, और आप तमाम छात्र छात्राओं से भी आग्रह कर रहे हैं कि जो भी आपको लगता है कि बीपीएससी में सुधार होना चाहिए या अन्य भर्ती आयोगों में सुधार होना चाहिए, उसके लिए आप सोशल साइट्स पे भी कुछ लिखिए, हमारा साथ दीजिए। हम तो प्रयास कर ही रहे हैं लेकिन हमारा साथ दीजिए, सोशल साइट्स पे भी साथ दीजिए, और जब कभी आंदोलन होता है तो आप सड़क पे भी साथ दीजिए। अभी मैं पिछले कई महीनों से बीमार चल रहा हूं, पिछले साल से ही 2022 से ही मैं बीमार चल रहा हूं, परसेंटाइल पे जब आंदोलन हुआ 31 अगस्त को उस समय भी मैं बीमार था, पिछले साल अप्रैल से ही मैं बीमार चल रहा हूं। बीपीएससी के लिए जो भी आंदोलन हुआ, चाहे अगस्त में हो, अक्टूबर नवंबर में हो, दिसंबर में, उस समय भी मैं बीमार था, और जनवरी से मैं एम्स में इलाज करवा रहा हूं, अभी फिर से मुझे 11 अप्रैल को जाना है एम्स। तो इसलिए अभी हम ज्यादा एक्टिव नहीं रह पा रहे हैं, ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, इसके लिए हम माफी भी आप लोगों से चाहते हैं, लेकिन आप लोगों से हम अपील करेंगे आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई करते रहिए, साथ ही जहां भी आपको लगता है कि इस तरह का सुधार होना चाहिए उसके लिए आप हमें भी सुझाव दे सकते हैं, और फेसबुक पे, टेलीग्राम, जो भी आपका ग्रुप चलता है उसमें लिखिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह आप लोग इसके संबंधित लिखिए, बातें लिखिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ सके। कोई एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आप सबको मिलकर प्रयास, हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा और सुधार लाना होगा सभी भर्ती आयोगों में, सभी भर्ती बोर्ड में एक सकारात्मक सुधार लाने की जरूरत है। धन्यवाद, जय हिंद।